दोस्तों जी, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये देखिए मैंने कितनी यूनिक डिश बना के तैयार किया आज ये। और ये आटे से बनी हुई है और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है और बच्चे से मज़े से खाते हैं और बिल्कुल एकदम अच्छा सा स्नैक्स लगता है ये। तो कैसे बनते हैं वो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। दोस्तों मैंने तवा गरम किया है, मतलब ज़्यादा तेज़ तवा गरम नहीं करना है, सिर्फ हल्का ही तवा गरम करना है, जिसमें मैं ये पतली पतली रोटियाँ बना दूँगी आटे से और इसको मैं दोनों तरफ से पचा लूँगी, यानी सेक लेंगी। ये देखिए इस प्रकार हम इसको सेक लेंगे, इस पर कोई मतलब निशान भी नहीं आ रहे। इस प्रकार आपने सेकना है, जैसे हमें हम रुमाली रोटी होती ना, उस प्रकार ही हमें इनको बनाना है। लेकिन ये आटे वाली हैं, रुमाली रोटी होती है, मैदे से बनी हुई होती हैं। और तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से। तो इसके आगे आगे का मैं बताती हूँ प्रोसीजर क्या है। आप इसमें ना चाहे कुछ भी भर लीजिए, चाहे आप पनीर भर लीजिए या आलू की पिट्ठी भर लीजिए या गोभी भर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मेरे पास तो बच्चों के लिए बनाने के लिए आलू ज़्यादातर हर घर में होते हैं, तो उसकी मैंने स्टफिंग बनाई हुई है। तो मैं इस पूरी रोटी पे मक्खन लगा लूँगी, आपके पास घी हो वो घी लगा लेना या कोई भी बटर और लगा लेना, ठीक है जी। इसको मैंने पूरी रोटी पे ही बटर लगा लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मैं स्टफिंग भरूँगी आलू की। ये ज़्यादा नमक वाली नहीं है क्योंकि बच्चों को खानी है, तो इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डाला मैंने, क्योंकि हरी मिर्च तो बच्चे पसंद कर ही लेते हैं। तो उसको मैंने अच्छे से कर दूंगी फोल्ड दोनों साइड से, ये देखिए। और इसमें कोई टूथपिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही फोल्ड हो जाती है। इस पर थोड़ा सा मक्खन और लगा के इसको अच्छे से फोल्ड कर देना, ये देखिए। वो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा ये एकदम छोटा सा, ये देखिए कितना अच्छा सा लिफाफा बन गया है। इसको लिफाफा पराठा बोलते हैं। तो दोस्तों मैं तवे पे कर लूँगी तेल गरम और ये जो जितने भी मैंने ये लिफाफे पराठे बनाए हैं इनको मैं इस पर डाल दूँगी तवे पे। और गैस को फिर भी मंद ही रखूँगी, क्योंकि अगर मैं तेज़ गैस रखूँगी तो ये जल जाएंगे तवे पे। और इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा घी, ये मैं देसी घी लगा रही हूँ। और इसके बाद इसमें हम थोड़ा इसको पचने देंगे अच्छे से, ये देखें। और बहुत बहुत मतलब तसल्ली से बनाना है आपने, क्योंकि तभी बच्चों को पसंद आएगा। ये देखिए मंदी गैस पे कितना अच्छा इनका कलर आ चुका है। और ये दोनों तरफ से हम उलट पलट के सेक लेंगे, और घी कम ही घी लगता है और उसमें भी इतने अच्छे से ये पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। और गैस भी बहुत कम लगती है क्योंकि मंदी गैस पे बनना होता है इसे। तो ये देखिए जी, मेरे तो ये चारों पराठे बन के रेडी हो गए हैं और गैस मैंने अभी बंद नहीं की है। तो आपको जितना घी खाना उतना इस्तेमाल करें, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में, ये देखिए डायरेक्ट तवे से हमने ये प्लेट में निकाल लिए हैं। और इसके बाद मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, क्योंकि ये हमें काट के दिखाने की या तोड़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि ये कैसे बने होंगे, जैसे हम समोसा वगैरह खाते हैं इसी प्रकार ये बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी, बच्चों के लिए और बड़ों बड़े भी खा सकते हैं, लेकिन ये इतना ईजी ब्रेकफास्ट बना के मैंने रेडी किया। तो ये कैसी वीडियो आपको लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखना इनका कलर कितना अच्छा आया हुआ है खाने में। तो इस प्रकार तसल्ली से ब्रेकफास्ट बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं और खूब इंजॉय करें, मौज करें, और ज्ञान भी की ये वीडियो देखते रहें और आगे बढ़ते रहें और बढ़ाते रहें।